फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए, आज मास्टर स्ट्रोक में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का तीसरा। तो आप देखे हैं कि यह वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का वर्किंग रूल को समझना पड़ेगा। इसके लिए पहले क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा माइंड में कि क्या फाइंड करना है, क्या पूछा जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही दिशा में दिमाग लगाएंगे। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या, जैसा कि आप जानते हैं 10 to 99, यानी 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या सब दो अंकों की संख्या है। इकाई और दहाई से बनी संख्या दो अंकों की संख्या होती है। चलिए ठीक है, अब आगे कहता है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसको 9 टाइम्स करते हैं, 9 से गुना करते हैं, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना हो जाता है। और ओरिजिनल नंबर को जब हम पलटते हैं, पलटने का मतलब जो टेंस था उसको वंस बना देते हैं, और जो वंस था उसको टेंस, यानी इकाई वाले अंक को दहाई के जगह पर रख देते हैं और दहाई वाले अंक को इकाई के जगह पर रख देते हैं। तो क्वेश्चन जो है ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है, वह बदलने वाले नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है ना, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे 1 दहाई का अंक को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एवं इकाई का अंक बराबर वाई। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। तब लिखेंगे इसीलिए बनी संख्या, क्या लिखेंगे, बनी संख्या। तो क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, 10 × दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। ठीक है ना, 10 × दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। तो यहाँ पर 10 × दहाई का अंक क्या है, एक्स, और प्लस इकाई का अंक क्या है, वाई। यानी दहाई वाले अंक को 10 से गुना करना है और इकाई वाले अंक को जोड़ देना है। ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, 10x + 1। कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, तो प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इकाई और दहाई के अंक को जोड़ते थे कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो लिखेंगे x + y = 9, इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, चलिए इसके लिए पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों के पलटने पर बनी संख्या। तो देखिए, आप जो 10 × दहाई का अंक डाले थे x, अब दहाई को क्या मान लेना है, y, और यानी जो पहले दहाई था उसको इकाई मान लिया, जो इकाई था उसको दहाई मान लिया, तभी तो अंक पलटेगा ना। तो देखिए यहां पर लिख देंगे 10y + x। ठीक है ना, अब लिखेंगे पुनः अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से। आप प्रश्न कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, आई मीन ओरिजिनल नंबर इसका 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का, यानी ये इसका 2 गुना हो जाता है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं 9 × 10x + y = हो जाएगा 2 × 10y + x। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसको सोल्व करते हैं, 90x + 9y = 10 × 20y + 2x = 90x + 9y, बाहर में +20y है तो अंदर करेंगे तो -20y हो जाएगा, और +2x है तो माइनस, और हमारा इस तरफ कुछ भी नहीं लेफ्ट में आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ 90 में से 2 गया तो हो गया 88x, और माइनस 20y में से 9y गया तो 11y = 0।
ऐसा करते हैं कि इक्वेशन को सॉर्ट करने के लिए इसमें से आठ 11 कॉमा ले लेते हैं, 11 तो लिखेंगे 11 अठे 88 और यहाँ 11 कॉमा ले लेते हैं वाई बराबर क्या हो गया 0, इसीलिए लिखेंगे 8x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि इधर 11 से गुना है तो इधर का क्या हो जाएगा भाग। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक और दो से, या फिर लिख दे समीकरण एक और दो से भी चले ठीक है। समीकरण एक कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, और दो कितना है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए कि y बैलेंस किया हुआ है तो y को आप सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, तो लिखेंगे जोड़ने पर, देखिए जब जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं उसका साइन अगर सेम रहता है तो लिखते हैं घटाने पर, और अलग अलग रहता है डिफरेंट साइन में तो लिखते हैं, सॉरी डिफरेंट साइन में लिखते हैं घटाने पर, ठीक है ना, और सेम साइन रहेगा, सॉरी मिस्टेक कर रहा हूं मैं, मतलब कि मिस्टेक नहीं, मतलब ये बोल रहा हूं कि अलग अलग रहेगा, चलिए नोट कर लीजिए, जब साइन अपोजिट हो एक प्लस और एक माइनस तो उस केस में जोड़ने पर लिखते हैं, सुन लीजिए रिपीट करके, जब साइन अलग अलग हो तो लिखते हैं जोड़ने पर, अगर सेम हो यानी माइनस माइनस प्लस प्लस तो वो कैंसिल हो नहीं सकता है, इसलिए उसको घटाने पर लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर, और देखिए वाई से वाई कैंसिल हो गया, 8x और 1x 9x और यहां पर 9, इसीलिए x बराबर 9 बाई 9 1, इसलिए x इक्वल टू क्या निकल गया 1। आप लिखेंगे x का वैल्यू, आप मान भी लिख सकते हो, हम वैल्यू लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू मतलब मान ही होता है, तो x का वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, आप x का वैल्यू समीकरण एक या दो कुछ में भी रख सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर x का वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 था, x के जगह पर 1 डालेंगे, y बराबर 9, इसीलिए y बराबर 9 माइनस 1, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो इकाई और दहाई जान गए तो हम नंबर पता कर सकते हैं, लिखेंगे आता बनी संख्या बराबर क्या था 10 गुने एक्स, तो 10 गुने एक्स का मान क्या निकाले 1, और प्लस इकाई का अंक है वाई, तो वाई कितना निकाले 8, तो पहले गुना का रूल होगा तो 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18, तो यही आपका आंसर है। चलिए आंसर को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि 18 जो आंसर आपका है वह सही है कि गलत है, तो देखिए इसको अंक को जोड़िए, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यही क्वेश्चन था कि संख्या का अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना यानी 18 का 9 गुना 162 18 नमक, और अंक को पलट देंगे तो 18 को पलटेंगे तो क्या बनेगा 81, और उसका दोगुना कीजिए तो 162, तो दोनों क्या आ जाता है सेम आ जाता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।